दोस्तों यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं। RSMSSB की तरफ से दोस्तों एक न्यू अपडेट आया है जिसका नोटिस मैं आपको बताने वाला हूं कि वो खबर क्या है। पशु परिचर की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर है, तो अच्छी खबर वो क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी दोस्तों अच्छी खबर मान सकते हैं। तो सीधे चलते हैं उस अच्छी खबर की तरफ। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों ज्यादातर बच्चे हैं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर एक नेगेटिव बात है वो आ जाती है। पशु परिचर के तो पेपर है वो बिकने वाले हैं और भर्तियों की तरह यहाँ भी पेपर लीक हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नोटिस दोस्तों आपने देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ लिया होगा कि अब से क्या होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, खासकर दोस्तों जो पशु परिचर की भर्ती है जो दिसंबर में इसका एग्जाम है, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत ज्यादा फॉर्म आए हैं और बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठने वाले हैं, तो इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि अब से क्या होगा दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई जो भी एग्जाम होगी दोस्तों, जैसे पशु परिचर की एग्जाम हो गई या फिर दोस्तों LDC की एग्जाम हो गई, जो भी एग्जाम है दोस्तों उनमें अब क्या होगा, जैसे ही आपकी एग्जाम लगेगी, एग्जाम जैसे ही लगती है दोस्तों, तो उनकी OMR सीट है ना, वह OMR सीट को स्कैन करके जो आपकी SSO ID है, SSO ID पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि बहुत ये फर्जीवाड़ा चलता है ना कि जितने क्वेश्चन तुझे, बहुत बोलते हैं ना कि इतने पैसे दे देना और जितने क्वेश्चन तुझे आ रहे हैं उतने कर देना, उसके बाद में हम आपके OMR सीट भर देंगे और आपको पास करा देंगे। तो ये फर्जीवाड़ा है ना, इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, इस फर्जीवाड़े को ध्यान में रखते हुए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब से क्या होगा, जैसे एग्जाम लगती है ना तो उनकी जो OMR सीट है उनको स्कैन करके आंसर की आने से पहले पहले आपकी जो SSO ID है, जो आपकी SSO ID है उसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, तो बच्चा खुद देख लेगा कि उसके OMR सीट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रति जो बच्चे हैं उनका दोस्तों जो रुझान है, उनके जो विचार है वो अच्छे होंगे, और दूसरी बात है इससे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। तो जो भी ये बोल रहे थे कि पशु परिचर का पेपर बिकेंगे, यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा चलेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके लिए अच्छी खबर है कि आप तैयारी में लग जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब राजस्थान सरकार एक्टिव में है, कोई भी यदि फर्जीवाड़ा करता है तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, अब सिलेक्शन वो लेके जाएगा जो तैयारी करेगा। तो आप भी यदि अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो तो आज से इसकी तैयारी में लग जाओ। आपके लिए यही दोस्तों अच्छी खबर थी, वो मैंने आपको बता दिया है, न्यूज़पेपर में भी आपने सबने पढ़ लिया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।